हेलो दोस्तों, मैं हूं मज़र अली और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव पे। दोनों अहम मौजू हैं और ये हम पे लागू हैं। रिएक्टिव वो लोग होते हैं कि जब कोई मसला हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, उसके बाद वो अपना रिएक्शन देते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम कुछ भी नहीं करते हैं, मगर जब प्रॉब्लम अकर होता है, प्रॉब्लम होता है, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की ट्राई करते हैं। प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं कि जब प्रॉब्लम होने से पहले ही वो उसका उसके जो कोई ना कोई एक्शन सोच लेते हैं, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन सोच लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ बारिश होने वाली हो, आप कहें चले बारिश होगा, देखा जाएगा। ये जो देखा जाएगा वाले लोग होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और वो लोग जिन्होंने बादल देखे, क्लाउड्स देखे, एंड दे थिंक कि भाई बारिश होने वाली है, तो वो उस बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और फिर जब बारिश होती है तो वो बारिश उनको नुकसान नहीं देती है। सो जो प्रोएक्टिव होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद वो कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं या काम करते हैं। नो डाउट काफ़ी चीज़ें नेचुरली बेहतर भी हो जाती हैं, बट हमें और चीज़ों को बेहतर करने के लिए प्रोएक्टिव होना चाहिए। पहले हमें सोचना चाहिए, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि इधर दिस जॉब विल बी गुड फॉर यू और नॉट। अब ये ना कहे चल मिल जाए फिर देखेंगे, ये देखेंगे वाली कहानी अक्सर नुकसानदेह साबित होती है। आप पॉजिटिव बने और प्रोएक्टिव बने, उससे आपकी लाइफ खुशहाल बन जाएगी। अब देखें, बहुत से कंट्रीज़ के काफ़ी मामला इसलिए भी नुकसानदेह होते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट प्रोएक्टिव नहीं होती है। बहुत से इदारे इसलिए भी तरक्की नहीं करते हैं कि वो प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। सेम बहुत से लोग इसलिए लाइफ में वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। इफ़ दिस विल हैपन देन वी विल डू दैट, ये जो पॉलिसी है दैट इज़ नॉट गुड। कि अगर आपको अभी कहीं जाना भी है तो यू मस्ट प्लान कि किस रास्ते से जाएंगे, क्या करेंगे। दैट टाइप ऑफ द थिंकिंग इज़ अ प्रोएक्टिव। सो फ्रेंड्स, बी प्रोएक्टिव इन लाइफ। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, क्योंकि प्रोएक्टिव जो एक्शंस हैं वो काफ़ी मसलों से बचाते हैं। दोस्तों, उम्मीद कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में मेरे वीडियो आपको पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।